हाय एवरीवन, आज हम नवरात्रि स्पेशल आलू की टिक्की की रेसिपी लेके आए, जो बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप 2 मिनट में बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। अगर व्रत में कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इस तरह से आलू की टिक्की को बना के खा सकते हैं। इस तरह से बना दीजिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब चलिए देर की इस बात की, इस टिक्की को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 बॉयल आलू को ग्रेट करके ले लिया है, आप मैश करके भी ले सकते हो। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके लिया वो डाल देंगे, थोड़ी सी हरा धनिया, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच मूंगफली ले लेंगे, कुटी हुई मूँगफली है, देखिए थोड़ा सा दरदरा है, मूँगफली डालने से बहुत ही टेस्टी लगती है, ज़रूर डालिए। 3 चम्मच अरारूट डालेंगे, व्रत में अरारूट खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए सभी चीज़ व्रत का ही डाला है। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बॉयल आलू पड़े हैं तो इस तरह से 2 मिनट में आप इस टिक्की को बना के खा सकते हैं। अगर आपके पास अरारूट नहीं है तो सामा चावल के आटे से भी बना सकते हैं। मिक्स कर लिया है, अब हाथों को साफ कर लेंगे। हाथों में थोड़ी सी ऑयल लगा लिया है ताकि चुपके ना, इस तरह से थोड़ी सी पोषण ले लेंगे, इस तरह से गोला कर लेंगे, फिर इसको दबा लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, देखिए इसी तरह से हम टिक्की को बना लेंगे। देखिए सभी टिक्की को बना के रेडी कर लिया है, अब गैस पे चलते हैं। पहले से ही ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गरम है, बहुत ही कम ऑयल डाला है। अब एक एक करके डाल देंगे, इस तरह से हिला लेंगे और एक साइड सिकने देंगे। आप शैलो फ्राई की जगह डीप फ्राई भी कर सकते हैं। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखा है, एक साइड सिक गई है, अब हम पलट लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है, इसी तरह से अलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अगर आपके बच्चे बड़े थे, इस तरह से बना के आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बहुत ही आसान है, झटपट बन के रेडी हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर व्रत में कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इस तरह से टिक्की बना के आप खा सकते हैं। देखिए टिक्की हमारी सिक गई है और कलर भी कितनी बढ़िया आई है, अब हम निकाल लेंगे। देखिए पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है, और सभी को इसी तरह से रेडी करके ले लेंगे। देखिए आलू की टिक्की हमारी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, देखिए कितनी क्रिस्पी बना है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट है। इस तरह से बना के इमली की चटनी के साथ खाइए, हरी चटनी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए। व्रत के लिए इमली की चटनी बनाए हैं, वही चटनी से सर्व किया है, बहुत ही आसान है, 2 मिनट में बना के खा सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नई हो और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को तो ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलिए अगली वीडियो को भी मिलते हैं, बाय।